हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, ये वाला प्रॉब्लम चालू था। ठीक है, अगर यहां से देखते हैं, अगर यहां से देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 100x, 100x, सही है, इक्वल्स टू 7। ओके, सो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 7 है तो 100x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 7 to 8, सही है ना? ओके, तो यहां से x बिलोंग्स टू 7/100 और यहां पे 8/100, 7/100 और 8/100, सही है, क्लियर? ओके ठीक है जी, यही इसका आंसर हो गया। आगे आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, हमने फाइंड द डोमेन वाले क्वेश्चन देख लिए हैं, अब इस बार क्या पूछ रहा है, वो रेंज पूछ रहा है। तो जब भी रेंज की बात की जाए, पहले डोमेन के बारे में सोचो। ओके, सो बिफोर, मैं यहां पे लिख लेता हूं, बिफोर रेंज, बिफोर रेंज ऑलवेज थिंक, ऑलवेज थिंक अबाउट डोमेन, अबाउट डोमेन। जब कभी भी रेंज की बात की जाएगी, आप डोमेन के बारे में पहले पता लगा लो कि इसका डोमेन कैसे निकालें। ओके, अच्छा, सभी को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं? 1 और -1 के बीच ये एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, उसको हम रख देंगे 1 और -1 के बीच में, सही है, 1 और -1 के बीच में हम उसको रख देंगे। ओके ना, ठीक है। इसके बाद, अच्छा, अगर इसको 1 और -1 के बीच में देख लिए, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे इंटीजर चाहिए, ऐसे इंटीजर चाहिए कि जो -1 और 1 के बीच में हो। तो देखो, -1, 0, 1, तो यहां पे इंटीजर के नाम पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, पॉसिबल क्या क्या चीज है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू -1, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सही है ना? तीन इंटीजर आएंगे, तीन इंटीजर आएंगे। ओके, अगर ये तीन इंटीजर आते हैं तो हम यहां से देखो क्या मिल जाएगा हमें, वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह पे हम -1 लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स -1, मतलब कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, पाई एंगल पे उसकी वैल्यू -1 होती है, सही है। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई। अब देखो, y इक्वल्स टू कितना, कॉस इनवर्स, इस बार कितना पुट अप करेंगे, 0, तो 0, कॉस 0 कब होता है, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, पाई बाय 2 पे, सही है। और कॉस y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यहां पे क्या आ जाएगा, 1, तो कॉस 1 कब होता है, 0 पे, कॉस 1 कब होता है, 0 पे। तो रेंज के नाम पर हमारे पास, रेंज माने वाई एक्सिस यानी आंसर, तो कितने आ गए, पाई, पाई बाय 2 और 0, केवल तीन रेंज आई, पाई, पाई बाय 2 एंड 0, सही है, क्लियर। हो सकता है आज का भी एग्जाम कल की एग्जाम में हो, है ना, आज के क्वेश्चन भी कल की एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। तो रेंज इज पाई, पाई बाय 2 एंड दिस। ओके चलो, तो जब भी रेंज की बात होगी हम पहले डोमेन सोचेंगे, ठीक है। अब देखो, रेंज है, रेंज है, तो डोमेन के बारे में सोचो। तो डोमेन में क्या करते हैं हम, इसको उठाएंगे x² + 1/2 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसको 1 और -1 के बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है, तो अगर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ रहा है तो 1 और -1 के बीच रखना तो बनता है। ओके,
अब क्या करना है, पहले तो पहली बात तो क्या करेंगे हम, मैं यहां पे स्टेप लिख देता हूं कि थिंक डोमेन, ठीक है, डोमेन के बारे में सोच लिया। अब ये सोचो नाउ थिंकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल वैल्यू, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो सोचेंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन से लेकर वन तक है, मतलब कितने इंटीजर, माइनस वन से लेकर वन तक तीन इंटीजर, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू मिलते हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू वन, सही है ना, माइनस वन जीरो वन, तीन आ गए। अब देखो ये जो वैल्यू है पॉसिबल तो तीन है, बट इसमें से कौन सा लेंगे हम, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव प्लस वन बाई टू करोगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और किसी पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निगेटिव आता है क्या, नहीं आता है, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, क्यों क्रॉस लगाया पता चला, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 बाई टू ऐड करेंगे तो फिर भी वो पॉजिटिव देगा, तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव हम इंटीजर डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो वो निगेटिव नहीं देता है, है ना, सही बात है। तो एक रेंज कैंसल हो गई, एक पॉसिबिलिटी कैंसल हो गई, ठीक है, सही है, अरे क्लियर, ये वाली बात क्लियर हुई क्या, ठीक है, आगे अब रिपीट, ठीक है रिपीट। अब देखो थिंकिंग अबाउट पॉसिबल वैल्यूज, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू क्या है, माइनस वन, इसका आंसर क्या है, माइनस वन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू माइनस वन आता है क्या चेक करेंगे, माइनस वन आता है क्या चेक करेंगे। देखो एक्स का वैल्यू आप माइनस वन ले लो, तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन लेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू मतलब वन प्लस वन बाई टू, ठीक है, मतलब थ्री बाय टू, मतलब कितना, हाँ जी थ्री बाय टू अगर करेंगे तो वन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, वन पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वन आएगा, पिछला वाला इंटीजर, देखो पॉजिटिव वैल्यू आई और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे निगेटिव, तो क्रॉस लगा दिया ना, क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना, ओके ठीक। वैसे ही जीरो के लिए चेक करेंगे, वन के लिए चेक करेंगे, ओके जीरो के लिए चेक करें, जीरो के लिए अगर चेक करोगे तो ये पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव और ये वन बाई टू, तो देखो एक्स की जगह पे अगर हम जीरो रख दें एक्स इक्वल्स टू जीरो तो क्या मिलेगा हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो प्लस वन बाई टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू कितना मिलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू 0.5, तो जीरो, सही है जी, करेक्ट है, ओके। और ये वन, क्या ये वन सही है, ये भी वन सही है, वन पुट अप करोगे तो 3/2 आएगा, 3/2 करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। तो रेंज के नाम पे हमारे पास कितने आंसर आए, केवल दो, एक तो जीरो और दूसरा वन, माइनस वन कैंसल हो गया, सही है, माइनस वन कैंसल हो गया, ओके ना, ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे आगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये जो है ना आपके सामने, इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाय एक्स इक्वल्स टू टू आता है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा फील लाते हैं ना एग्जांपल पे, तो देखो दो नंबर का क्या है, ये सम है, दो नंबर का सम कितना, टू। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम दो आता है, बोल दो ना पॉसिबिलिटीज, आज दो इंटीजर का सम टू है, तो
तो ऐसे कौन से दो इंटीजर है जिनका सम दो आता है, बोलो तो जरा। दो इंटीजर का सम दो, आज जेसी, ऐसे दो इंटीजर कौन से, वन प्लस वन, ओके, वन प्लस वन लिख दिया, और वन और वन, और जीरो टू, सही है, टू जीरो, तीन ही पॉसिबल है, अरे तीन ही पॉसिबल है, जीरो टू, वन वन, टू जीरो, ठीक है ना। तो तीन केस बनेंगे जी हमारे पास, तीन केस बने, एक तो जीरो वन, तो एक काम कर लो, इसको जीरो ले लो, इसको टू ले लो, इसको वन ले लो या इसको वन ले लो, इसको टू ले लो या इसको जीरो ले लो, तीन केस बनेंगे। तो मैं केसेस लिखता हूं यहां से, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट पे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम जीरो ले लेते हैं, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाय एक्स को हम टू ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, हाँ जी, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, क्या लिखूं मैं, भूले तो नहीं, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो, जीरो मतलब कहां से कहां तक, जीरो से लेकर वन के बीच में, अरे याद है ना, जीरो से लेकर वन के बीच में, और ये वन बाय एक्स इक्वल्स टू टू है, मतलब वन बाय एक्स की वैल्यू दो से लेकर तीन तक, वन बाय एक्स की वैल्यू दो से लेकर तीन तक। अच्छा पलट दू, बाजी पलट दू, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और बाजी पलटते ही यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन और वन बाय थ्री, और यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू वन बाय टू, सही है, 1 बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन 1 बाई थ्री, बाजी पलट दी, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ तक हुआ जी, यहाँ से अगर हम देखें कि देखो ये x कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 बाई थ्री, ठीक है, और यहाँ पे 1 बाई टू, यहाँ पे 1 बाई टू, 1 बाई टू पे क्लोज, ठीक है ना, 1 बाई टू पे क्लोज लगाएंगे और 1 बाय 3 पे ओपन लगाएंगे, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 1 बाय 3, x इज ग्रेटर देन 1 बाय 3 मतलब इससे बड़ा हो, और लेस देन 1 बाय 2 मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। और ये क्या बोल रही है, ये जो बोल रही है, ये क्या बोल रही है, ये वाली लाइन, ये बंदा क्या बोल रहा है कि इसको 0 से 1 के बीच में चाहिए, 0 पे क्लोज और वन पे ओपन, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा, बोलो तो दोनों कहां राजी है, एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखूं मैं, आज एक्स बिलोंग्स टू क्या वैल्यू लिखूं, जरा बोल देना, हाँ जैसे x belongs to कितना, 0 से 1 के बीच में है और ये 1 by 3 से 1 by 2 के, सर यूनियन करना है ना, नहीं जी इंटरसेक्शन, क्योंकि ये देखो ना, ये प्लस, ठीक है ना, x और यहाँ पे ये, नहीं नहीं, इन दोनों का ये देखो ना, ये 0 0 एंड इसको दो लेंगे तब जाके सम दो आएगा, और नहीं, अगर इसको जीरो लेते हैं और इसको टू लेते हैं तो टू सम आएगा, नहीं, एंड दोनों का ये करना पड़ेगा, दोनों का, आप इस पे मत जाओ, ये जो प्लस है ना इस पे मत जाओ, इस पे जाओ, इस पे, ये पॉसिबिलिटीज पे, एंड ये दो नंबर उठाया हमने, इसको जीरो लेंगे और एंड इसको दो लेंगे तब जाके हमारा सम दो आएगा, इंटरसेक्शन करना है, एंडिंग में यूनियन करेंगे, एंडिंग में यूनियन करेंगे, हाँ जी, इंटरसेक्शन करके बताओ कितना हुआ, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन करके बताओ, तो x बिलोंग्स टू यहां से देखो तो कितना आ जाएगा ये, हाँ जी,
एक्स बिलोंग्स टू 1/3 to 1/2 अरे सही है ना, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। क्या ठीक उसी तरीके से केस टू बन जाएगा हमारे पास? केस टू क्या ले जी? केस सेकंड। अच्छा केस सेकंड अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा? देखो एक बार इसको वन लेंगे और इसको वन लेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हम वन ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द वन, ओके। एंड क्या ले ले? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू द वन। तो यहां से x कहां से कहां तक भागेगा? 1 से लेकर 2 तक, सही है। और ये 1/x कहां से भागेगा? ये भी 1 से लेकर 2 तक। बाजी पलट दू, बाजी पलटना मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी इक्वेलिटी का साइन चेंज होगा, 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सही है, ओके। तो दोनों का इंटरसेक्शन बता दो अभी, दोनों का इंटरसेक्शन। देखो ये बंदा क्या बोल रहा है कि मुझे 1 से लेकर 2 तक जगह दे दो, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, सही है, दे दिया। ये बोल रहा है कि मुझे 1 से, ठीक है ना, मुझे 1 से कहां तक? 1 पे क्लोज दे दो और 1 से 1/2 के बीच में दे देना, 1 से 1/2 पे, 1/2 पे ओपन। तो कहां से कहां तक भागा? कहां से कहां तक भागा? हाँ जी, अच्छा एक मिनट। हा यहां पे देखो ये 1/2 से x इज ग्रेटर देन 1/2, बी केयरफुल, x इज ग्रेटर देन 1/2 मतलब इसके आगे और लेस देन ये 1, तो कहां पे एग्री है दोनों? दोनों कहां पे एग्री है? हाँ जी, दोनों कहां पे एग्री है? ओनली एक्स बिलोंग्स टू 1 पे। अरे 1 पे ही इक्वल होंगे ये दोनों, 1 पे ही इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से केस 3 बन जाएगा। केस 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू हम 2 लेते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या बची अभी? 2 और 0 वाली बची ना, ये भी हो गया, ये 2 और 0 वाली, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2 एंड 1/x इज इक्वल्स टू द 0। तो यहां से अगर ये 2 है तो 2 से लेकर 3 के बीच में भागेगा और ये कहां से कहां तक? 1/x ये 0 से लेकर 1 के बीच में भागेगा। अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 1 और यहां से, सॉरी लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंफिनिटी क्योंकि 1/0 इज इंफिनिटी, सही है। और ये तो यहां पे क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 2 से लेकर, देखो ये 2 इंक्लूड है, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, सही है। अब देखो हमने पॉसिबिलिटीज निकाली थी, पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकाली थी हम लोगों ने? ये वाली पॉसिबिलिटीज निकाली थी, एक तो 0 to 1/1 या 2/0, ये वाली पॉसिबिलिटीज निकाली थी, सही है। पॉसिबिलिटीज थी एक तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, या मतलब यूनियन, या मतलब यूनियन, तो तीनों का यूनियन करेंगे, तीनों का यूनियन करेंगे। तो फर्स्ट आंसर क्या था जी मेरे पास? फर्स्ट आंसर था x बिलोंग्स टू 1/3 to 1/2, ठीक है। फर्स्ट आंसर आया 1/3 ओपन में, 1/3 to 1/2, ठीक है। सेकंड में क्या है? सेकंड में केस सेकंड का आ गया हमारा, केस सेकंड में ओनली 1, ठीक है। और केस थर्ड में क्या आया? 2 से लेकर 3 तक, इनका यूनियन कर दो, कितना आएगा फाइनल आंसर? आज यूनियन करने पर फाइनल आंसर कितना आएगा? 1/3 से लेकर 1/2 क्लोज यूनियन 1 यूनियन 2 से लेकर 3 तक, सही है, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है, यहां तक आ गए, ओके। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कल टेस्ट है ना, इसलिए।
ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।